नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 19 मई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या में लगातार हो रहा है तेजी से इजाफा। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिन स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार द्वारा जारी किए गए चौथे अपडेट तक 103 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या बढ़कर 1423 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो इसमें सारण से 3, मुजफ्फरपुर में से 5, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 1, वैशाली में 4, कटिहार में 3, सुपौल में 7, मधुबनी में 4, नालंदा में 1, पटना में 1, भोजपुर में 2, कैमूर में 1, गोपालगंज में 32, भागलपुर में 4, अरवल में 2, नवादा में 6, पूर्णिया में 1, बेगूसराय में 15, मुंगेर में 7, खगड़िया में 1, सहरसा में 3 मामले मिले हैं। कोविड 19 प्रभावितों के मामले में पटना पहुंचा नंबर 1 पर। बिहार में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार द्वारा बीते दिन चौथे अपडेट तक जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में पटना सबसे ज्यादा प्रभावित जिला घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद पटना में प्रभावितों की कुल संख्या 165 पर पहुंच गई। वहीं पटना के बाद मुंगेर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल हो गया है, जिसमें अब तक 133 संक्रमितों की खबर सामने आई है, जिसके बाद राज्य में प्रभावितों की संख्या 1400 को पार कर चुकी है। बिहार में 499 लोगों के स्वस्थ होने की आई खबर। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अब तक इससे ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार द्वारा जारी किए गए बीते दिन सुबह 10 बजे के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 499 मरीज अब तक कोविड 19 की परीक्षा को पास कर चुके हैं। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाके को सैनिटाइज करने का आदेश भी जारी कर दिया है। कोविड 19 से बिहार में 9 मरीज की गई जान। बिहार में कोविड 19 का प्रभाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं इसी बीच बिहार में कोविड 19 से 9 मरीज की जान जाने की खबर सामने आई है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने खुद जारी की है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए जानकारी के अनुसार जान गंवाने वाले व्यक्ति वैशाली जिले का रहने वाला है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार ने यह भी बताया है कि महिला पहले से ही कई सारे बीमारियों का उपचार करवा रही थी, जिसके बाद वैशाली के 2 मरीजों से पहले पटना के 2 व्यक्तियों की भी जान जा चुकी है। इसके साथ ही मुंगेर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, सासाराम, खगड़िया जिले के रहने वाले एक एक लोगों की जान भी जा चुकी है। नीतीश कुमार के पैतृक आवास पर तैनात 4 जवानों में कोविड 19 मिला पॉजिटिव। बिहार के बाढ़ में बख्तियारपुर प्रखंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने आवास पर तैनात बीएमबी के 4 जवान कोविड 19 से पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन सभी जवानों को क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया गया है। वहीं पूरे घर को सैनिटाइज करवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिसके बाद बख्तियारपुर से बाजार में हलचल का माहौल उत्पन्न हो गया है। खबरों की माने तो रविवार को बीएमबी के जो जवान कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए थे, उनमें 4 जवान वैसे थे जो बख्तियारपुर में विशेष सुरक्षा में तैनात थे। हालांकि यहां से सभी जवान 4 दिन पहले ही पटना बीएमबी पुलिस मुख्यालय चले गए थे और उनकी वजह से नए जवानों की तैनाती वहां पर की गई थी। बिहार में काम मांगने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ी। बंद के कारण प्रवासी मजदूरों की घर वापसी। बिहार में काम मांगने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ा दी है। राज्य सरकार भी इस बात को मान रही है और यही कारण है कि मनरेगा के तहत 18 करोड़ श्रमिक कार्य दिवस को बढ़ाकर 24 करोड़ करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसका ऐलान करते हुए 40,000 करोड़ रुपए मनरेगा के जरिए अतिरिक्त दिए जाने की बात कही है, जिससे बिहार सरकार के प्रस्ताव को और ज्यादा मजबूती मिली है। जानकारों का मानना है कि इस ताजा पैकेज से बिहार में मनरेगा के तहत रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। बिहार में प्रवासियों ने बढ़ाई सरकार की चिंता। बिहार में कोविड 19 का प्रभाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के बाद बिहार में संक्रमितों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार द्वारा बीते दिन जारी के अपडेट के अनुसार बिहार में आए मजदूरों में से कुल मिलाकर 651 प्रवासी मजदूर कोविड 19 से पॉजिटिव पाए गए। वहीं अब तक 11,800 प्रवासी मजदूरों के सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 651 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के माने तो सबसे ज्यादा दिल्ली से आने वाले लोग यानी कि 218 लोग प्रभावित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में 8 एजेंडों पर लगी मुहर। कोविड 19 के जारी माहौल में बिहार में बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसमें 8 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेट्रोल और डीजल के वैट दरों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। पटना नगर निगम क्षेत्र में ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन के संचालन के लिए बुडको को साफ रखने की मंजूरी दे दी गई है। वहीं दरभंगा जिले के निबंधन कार्यालय में बाहरी मनीगाछी को हटाकर अवर निबंधन कार्यालय बहेरा के साथ जोड़ने का फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं, जलापूर्ति योजना का विस्तार करते हुए 253 करोड़ 90 लाख कर दिया गया है। बिहार में कोविड 19 की वजह से अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त। कोविड 19 से बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से सड़कों पर आ गई है, जिसकी वजह से अप्रैल महीने में बिहार का राजस्व 82.29% कम हुआ है, जिसकी जानकारी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है। इतना ही नहीं, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह भी बताया है कि अप्रैल 2020 में राज्य को सभी स्रोतों से 9,861 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जबकि राज्य सरकार का खर्च 12,202 करोड़ रहा है। वहीं कोविड 19 की वजह से बिहार का राजस्व को पिछले साल की तुलना में अप्रैल महीने के अंदर लगभग 82.29% कम देखने को मिला है।
हाई स्कूल में अब होंगे सिर्फ 6 शिक्षक। बिहार सरकार ने हाई स्कूल में अब सिर्फ 6 शिक्षकों के होने का आदेश जारी किया है, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना में कहा गया है कि माध्यमिक कक्षाओं के लिए विद्यालय के 6 शिक्षक होंगे और अगर जिस विद्यालय में 6 शिक्षक से अधिक होंगे तो उन्हें स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसके तहत अब सभी हाई स्कूल में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और दूसरे भाषा के शिक्षक का पद स्थापना किया जाएगा। वहीं एक कक्षा में 60 छात्र छात्राओं से ज्यादा के नामांकन होने की स्थिति में एक्स्ट्रा कक्ष का संचालन किए जाने का भी आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने अधिसूचना में यह कहा है कि शिक्षकों की आवश्यकता के आकलनों को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक प्रत्येक विद्यालय दिवस पर न्यूनतम 2 कक्षाओं का संचालन अवश्य करेंगे। मधुमक्खी पालकों का बिहार में बनेगा डेटाबेस। बिहार सरकार के कृषि विभाग ने मधुमक्खी पालन करने वालों का डेटाबेस तैयार करने का ऐलान जारी किया है, ताकि शहद की ब्रांडिंग की जा सके। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए यह बताया कि जल्द ही बिहार में शहद की ब्रांडिंग की जाएगी और राज्य में इसका निर्यात भी किया जाएगा। विभाग को इसके लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि बिहार के 50,000 से अधिक लोग मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए, वहीं लाखों लोग इसके माध्यम से रोजगार से जुड़े हुए हैं। अगले 2 दिन तक पटना समेत कई जिलों में बारिश होने की जताई गई संभावना। आने वाले 2 दिनों में पटना समेत कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी में विकसित चक्रवात का असर सुबह कई जिलों में बीते सुबह देखने को मिला था। वहीं अब 2 दिनों तक पटना समेत कई जिलों में बारिश होने की संभावना भी बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो 30 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी साफ कहा है, क्योंकि यह चक्रवाती तूफान पहले ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों से टकरा रहा है, इसलिए बिहार में इसका प्रभाव ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। बिहार में मछलियों की ब्रांडिंग होगी शुरू। बिहार में मछलियों की ब्रांडिंग की शुरुआत होने वाली है। इतना ही नहीं, पड़ोस के राज्यों में मांग के अनुरूप आपूर्ति बढ़ाई जाएगी। मछलियों की मांग को बढ़ाने के लिए सरकार अब इन मछलियों की ब्रांडिंग करेगी, ताकि उनकी खपत बढ़ सके। खपत बढ़ने के राज्य में रोजगार की नई संभावनाओं का जन्म होगा, साथ ही इस कारोबार से जुड़े लोगों की आय में भी वृद्धि होगी, जिसके लिए राज्य सरकार अब ब्रांडिंग और उत्पादन बढ़ाने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श कर रही है। इसके लिए कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। गंगा नदी की बछवा, दरभंगा जिले के रोहू और कतला और सोनू के रोहू की ब्रांडिंग की जाएगी। खबरों की माने तो मछलियों की मांग पश्चिमी बंगाल, झारखंड समेत आसपास के राज्यों में है, जहां पर इन मछलियों की ब्रांडिंग शुरू कर इनकी पहचान बनाई जाएगी। बिहार प्रशासनिक सेवा के 228 अधिकारियों को दी गई नई जिम्मेदारी। बिहार सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी करके दे दी है। 60 से 62 बैच के परीक्षेमान वरीय उपसमाहर्ता को अब वरीय उपसमाहर्ता के पद पर पदस्थापित कर दिया गया है। सभी वर्तमान में वरीय उपसमाहर्ता के पद पर पदस्थापित है। खबरों के माने तो बिहार प्रशासनिक सेवा ने ऐसे 228 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले की प्रक्रिया हुई शुरू। बंद के बीच बिहार में तबादलों का दौर शुरू हो गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है। खबरों की माने तो जिन अधिकारियों का तबादला किया गया, उनमें अंचलाधिकारी से लेकर प्रभारी अंचलाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी प्रभारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सहायक, चकबंदी पदाधिकारी के साथ राजस्व अधिकार शामिल है, जिसकी पूरी सूची गृह विभाग ने जारी कर दी है। भागलपुर में अब आरटीपीसीआर मशीन से होगी कोविड-19 की जांच। भागलपुर में अब आरटीपीसीआर मशीन से कोविड-19 की जांच करवाने का ऐलान जारी किया गया है, जिसके बाद महज 2 घंटे के अंदर कोविड-19 की रिपोर्ट मिल जाएगी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने इस मशीन को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को कोविड-19 टेस्ट के लिए दिया है। अमेरिका में बनाए गए इस मशीन में विशेषज्ञ द्वारा कोविड-19 के जांच के लिए विशेष प्रोग्राम डाला जाएगा, जिसके बाद इसे जांच शुरू कर दी जाएगी, जिसकी जानकारी भागलपुर के कोविड-19 नोडल अधिकारी डॉक्टर हेम शंकर शर्मा ने दी है। आपको बता दें, यह मशीन बिहार के सिर्फ 6 संस्थानों के पास है, जिससे कि अब एक बार में तकरीबन 75 लोगों के सैंपल जांच की जा सकती है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के डेटशीट भी जारी। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं के आयोजन के लिए डेटशीट जारी कर दी है, जिसके तहत 10वीं कक्षा की परीक्षा की डेट लिस्ट के तहत 1 जुलाई को सामाजिक विज्ञान, 2 को विज्ञान, 10 को हिंदी कोर्स ए और बी, 15 जुलाई को अंग्रेजी कॉम की परीक्षा होगी। वहीं 12वीं की परीक्षा के लिए 1 जुलाई को होम साइंस, 2 जुलाई को इलेक्टिव हिंदी, 7 जुलाई को कंप्यूटर साइंस, 8 जुलाई को अंग्रेजी इलेक्टिव, 9 जुलाई को बिजनेस स्टडीज, 11 जुलाई को भूगोल, वहीं 13 को समाजशास्त्र का शेड्यूल जारी किया गया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में जानिए बिहार में किन किन चीजों में मिलेगी छूट। कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार ने बंद के चौथे चरण का ऐलान जारी किया है, जिसके बाद बिहार में गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत बिहार सरकार ने रेड और कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी सभी इलाकों को एक ही जोन में रख दिया है, जहां पर आवश्यक सामानों के अलावा कपड़ों की दुकान को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। वहीं जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि किन किन चीजों में छूट मिलेगी, इस बात की पूरी जिम्मेदारी डीएम के हाथ में होगी। इसके साथ ही सरकार ने ओला, उबर और टैक्सी के चलाने की इजाजत दे दी है, लेकिन वह भी सिर्फ मरीजों और ट्रेन से आने वाले यात्रियों के चलाई जाएगी।
वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया के विमान से बिहार पहुंचे प्रवासी सभी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन की शुरुआत की थी, जिसके तहत दूसरे देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने की पहल की गई थी। इसी क्रम में बीते दिन वंदे भारत मिशन के तहत गया एयरपोर्ट पर बिहार के 31 एवं 10 झारखंड के अप्रवासी बिहारी का आगमन हुआ है। एयरपोर्ट पर आने के बाद सभी यात्रियों की जांच करवाई गई है, जिसके बाद विदेश से आए सभी नागरिकों को बोधगया के होटल में रखा जाएगा। वहीं पर इन सभी पर्यटकों के खाने और रहने की व्यवस्था की गई है, जिसका परीक्षण बीते दिन WHO NDRF ने मिलकर किया था। पूर्णिया के क्वारंटाइन सेंटर में दर्जी बनाएंगे मास्क। जहां एक तरफ अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर पर कुछ लोग सिर्फ शिकायत करने में लगे, वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया के क्वारंटाइन सेंटर पर एक अनोखी पहल देखने को मिली है। पूर्णिया जिला स्थित श्रीनगर प्रखंड के एक क्वारंटाइन सेंटर में टेलर अब मास्क बनाएंगे। वहीं पूर्णिया के इस क्वारंटाइन सेंटर की हर कोई तारीफ भी कर रहा है। कुछ दिनों पहले यहां से निकले एक व्यक्ति ने भी यहां की खूब तारीफ की थी, जिसके तहत उन्होंने बताया था कि प्रोटोकॉल का पूरा अनुपालन किया जा रहा है, साथ ही वहां रहने वाले लोगों को हर सुविधा भी मुहैया करवाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर बिहार सरकार ने सभी आम जनता के लिए जारी की नई पहल। बंद के दौरान पर्यटन स्थलों पर और साथ ही संग्रहालयों में भी ताला लटका हुआ है। ऐसे में बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग ने नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के मौके पर कला संस्कृति विभाग में लघु फिल्म और फोटोज के माध्यम से बिहार के संग्रहालय को दिखाने का फैसला किया गया है, जिसके तहत अब देश दुनिया के लोग घर बैठे बैठे बिहार के संग्रहालय का दीदार कर सकेंगे। खबरों की माने तो ऑनलाइन वर्चुअल टूर के माध्यम से लोग घर बैठे बैठे बिहार के म्यूजियम को देखेंगे। इसके लिए बिहार म्यूजियम की वेबसाइट और अन्य सोशल साइट पर लॉग इन कर संग्रहालय की जानकारी ले सकेंगे और साथ ही उन्हें देख भी सकेंगे। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जदयू का मतलब झूठा दल अनलिमिटेड बताया। कोविड-19 जितनी तेजी से बिहार में बढ़ रहा है, उतनी तेजी से बिहार की राजनीति भी गर्म हो रही है। इसी क्रम में राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर तंज कसते हुए यह कहा था कि जदयू का मतलब झूठा दल अनलिमिटेड है और भाजपा तो बड़का झूठा पार्टी की संज्ञा दी गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे यह भी कहा कि तेजस्वी यादव ने कोविड-19 के समय में जो किया है, वह सत्ता में बैठे लोगों ने भी नहीं किया है। यह लोग अपनी नाकामी छिपाने के लिए तेजस्वी यादव को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव द्वारा कही गई बातों के जवाब में जदयू ने कहा था कि तेजस्वी यादव कोविड-19 के समय में गंदी राजनीति कर रहे हैं, समाज में गलतफहमी फैलाने का काम कर रहे हैं। उसी के जवाब में मृत्युंजय तिवारी ने उक्त बातें कही हैं। शाहिद अफरीदी के बयान पर भड़के रायना, शिखर धवन समेत कई खिलाड़ी। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने कुछ दिनों पहले POK में जाकर यह कहा था कि कोविड-19 से बड़ी बीमारी मोदी के दिल और दिमाग में है और वह बीमारी मजहब की बीमारी है और वह उस बीमारी को लेकर सियासत कर रहे हैं। हमारे कश्मीर भाई बहनों और बुजुर्गों के साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। इसके जवाब में सुरेश रैना ने कहा कि एक व्यक्ति को वही करना चाहिए जो उसके लिए जरूरी हो, बल्कि एक ऐसे के लिए तो और ज्यादा करने की जरूरत है जो भीख पर जिंदा हो। तो बेहतर होगा कश्मीर को अकेला छोड़ दो और अपने हारे हुए देश के लिए कुछ करो। वहीं शिखर धवन ने भी ट्वीट करके यह कहा है कि इस वक्त जहां पूरी दुनिया में कोविड-19 का सामना कर रही है, वहीं उसी वक्त तुमको कश्मीर की पड़ी है। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। चाहे 22 करोड़ ले आओ या हमारा 1.25 लाख के बराबर है, बाकी गिनती अपने आप कर लो। कंज्यूमर कंपनियों ने मानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल की मांग। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी पर जोर देने के बाद बड़ी कंज्यूमर कंपनी अपने सभी मार्केटिंग कैंपेन में वोकल फॉर लोकल पर जोर दे रही है, जिसके तहत ITC, पार्ले प्रोडक्ट्स, अमूल, डाबर, बिस्लरी, गोदरेज, मैरिको और वोल्टास जैसी कंपनियों ने इस दिशा में कदम उठाया है। इसके तहत इन सभी कंपनियों ने स्वदेशी के संदेश के साथ डिजिटल मीडिया पर, टीवी खासतौर से न्यूज चैनल पर विज्ञापन करना शुरू कर दिया है। हालांकि भाजपा ने यह भी साफ कर दिया है कि लोकल का मतलब सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बनाए उत्पाद भी है। आत्मनिर्भर इंडिया के नाम पर 211 गायकों ने मिलकर गाया गाना। पूरे देश में जब कोविड-19 का माहौल जारी है, बीते 24 घंटे में कोविड-19 रिकॉर्ड तोड़ 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 96,000 को पार कर चुकी है। वहीं इसी बीच भारत के 211 गायकों ने मिलकर बीते दिन एक गाना गाया है, जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी है। वहीं मशहूर गायिका लता मंगेशकर ने भी इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि नमस्कार, हमारे इसरा के बहुत गुणी 211 कलाकारों ने एक होकर आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित होकर इस गीत का निर्माण किया, जो पूरे भारत की जनता को और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को हम अर्पण करते हैं। जय तू भरतम। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है संजय कुमार, अरुण कुमार, रविंद्र कुमार, राहुल कुमार, राजेश कुमार, अमन कुमार, शुभाली कुमारी, दिव्या ज्योति, संजीत कुमार, राजू सैनी, रिंकू पंडित, सिकंदर यादव, सूर्य सिंह, आशुतोष सिंह, अनिल कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कोविड-19 के कारण सड़कों पर आई अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए आपके अनुसार बिहार में कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।